केरल के वायनाड में जमीन खिसकने से बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 11 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, बचाव के लिए बुलाई गई सेना, MI-17 हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान। वायनाड में हुए हादसे में घायल 48 लोगों का इलाज जारी, मेडिकल कॉलेज के मुताबिक 6 शव लाए गए। वायनाड हादसे में पीएम राहत कोष से मदद का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकरण घाटी में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, 3 दुकानें सैलाब में बह गईं, घटना में जानमाल का नुकसान नहीं। गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मानसून का ब्रेक फेल, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर आई ताप्ती नदी, सतियारा घाट पर मौजूद मंदिर डूबे, अलर्ट पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के बाद सड़कों पर दिखा जलभराव, निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुस गया बारिश का पानी। मध्य प्रदेश के सीहोर में बाढ़ के बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखे बच्चे, भारी बारिश की वजह से कमर तक भर गया पानी। गुजरात के वडोदरा में सूर्या नदी की तेज धारा में फंसा बुजुर्ग, स्थानीय तैराकों की मदद से बुजुर्ग को बचाया गया। गुजरात के बनासकांठा में बारिश का कहर, धानेरा इलाके में सड़कों पर आया सैलाब, कई इलाके डूब गए। गुजरात के वलसाड के कपराडा में उफान पर कोलक नदी, रास्ते पर दिखा सैलाब, सुरक्षा के तौर पर रास्ते को बंद किया गया। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश के बाद डूबा अंडरपास, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अंडरपास में फंसे लोगों को बचाया गया। गुजरात के दाहोद में माछन नदी का दिखा रौद्र रूप, सड़कों पर आया सैलाब, आवागमन ठप हुआ। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी में बाढ़ से खेतों में दिखा तबाही का मंजर, 10 से 15 फीट तक भर गया पानी, फसलों को नुकसान। छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में उफान पर शिवनाथ नदी, किनारे के गांवों में एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बाढ़ बारिश से लोग बेहाल, कई गांवों में आपदा जैसे हालात। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश की वजह से नदी में तेज बहाव जारी, नदी के बहाव से 2 लोगों को बचाया गया। वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थल, घाट और मंदिरों में घुस गया पानी, कई घाटों के संपर्क टूटे, श्रद्धालुओं को हो रही है मुश्किलें। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश की वजह से नदी में पानी का बहाव तेज, दीप ब्रिज के ऊपर से बह रहा है पानी, लोगों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, नर्मदा के किनारे बसने वाले गांवों में सतर्कता बरतने के निर्देश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में यात्रियों से भरी बस पानी भरे होने के कारण रेलवे अंडरपास में फंस गई, लोगों की मदद से बस को निकाला गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में मुरंड नदी में बाढ़ जैसे हालात, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा CSMT एक्सप्रेस ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, डीरेल हुए डिब्बे बगल वाले ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए। झारखंड के चक्रधरपुर हुए ट्रेन हादसे में 1 की मौत, 5 लोग घायल, बचाव अभियान तेज, मौके पर रेलवे के अधिकारी मौजूद। झारखंड में हुए ट्रेन हादसे में 80% यात्रियों को चक्रधरपुर स्टेशन पहुंचाया गया, यात्रियों को निकालने के लिए एक बचाव ट्रेन घटनास्थल पर पहुंची। झारखंड में हुए ट्रेन हादसे में 3 ट्रेनें कैंसिल, हावड़ा कांटाबाजी एक्सप्रेस, खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस और हावड़ा बारबल एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया। नवी मुंबई पुलिस ने यशश्री शिंदे की हत्या के आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार किया, दाऊद शेख की कर्नाटक के गुलबर्गा से हुई गिरफ्तारी। नवी मुंबई में यशश्री शिंदे की हत्या मामले में कर्नाटक से मोहसिन नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया, पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहसिन भी यशश्री शिंदे के संपर्क में था। नवी मुंबई में यशश्री शिंदे की हत्या मामले में एक अहम CCTV सामने आया, फुटेज में 24 जुलाई को लड़की के साथ आरोपी दाऊद शेख मौजूद था। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी, मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रदर्शन, अपनी मांग पर अड़े हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर MCD का एक्शन, जूनियर इंजीनियर बर्खास्त, असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड, अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी। कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माण पर MCD का बुलडोजर एक्शन, दिल्ली में अब तक 20 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच को रोकने के लिए उपायों के लिए गृह मंत्रालय ने बनाया हाई लेवल कमेटी, 30 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। कोचिंग सेंटर हादसे में दिल्ली के LG ने मृतकों को परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली फायर विभाग, दिल्ली पुलिस और MCD कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, 2 MCD अधिकारियों के खिलाफ लिया जा चुका है एक्शन। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का 15 जुलाई का वीडियो आया सामने, वीडियो में एक स्टूडेंट बारिश के बाद भरे पानी से निकलता दिखाई दिया। कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन का एक्शन जारी, 7 और कोचिंग सेंटर सील किए गए, पहले ही 13 कोचिंग सेंटर सील किए जा चुके हैं। दिल्ली की मेयर शेरी ओबेरॉय ने हादसे वाली जगह का लिया जायजा, MCD कमिश्नर को लेटर लिखकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन देने का निर्देश दिया।
दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोन को भेजा नोटिस, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना के बाद एमसी ने 5 बेसमेंट सील कर दिए। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट समेत कई कोचिंग सेंटर्स में सीलिंग। दृष्टि आईएएस के मालिक विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। हादसे पर दिव्य कीर्ति की चुप्पी से स्टूडेंट्स नाराज हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचा छात्र नवीन डेलविन का पार्थिव शरीर। 27 जुलाई को कोचिंग हादसे में गई थी उनकी जान। दिल्ली कोचिंग हादसे की शिकार तान्या सोनी का शव बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर पहुंचा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली कोचिंग हादसे की शिकार हुई छात्रा श्रेया यादव का शव पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पहुंचा। एसडीएम सदर सौरभ शुक्ला ने मृतक छात्रा को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। बोले, एमसीडी में बीजेपी 15 साल रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आज बजट पर बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। बिहार के सांसद संजय जायसवाल लोकसभा में चीफ व्हिप नियुक्त। बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली के जवाहर भवन में कांग्रेस के नए सांसदों की आज ट्रेनिंग। हर बार पहली बार के सांसदों को दी जाती है ट्रेनिंग। आज संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी करेंगी बैठक को संबोधित। उत्तर प्रदेश में आज पेश होगा सप्लीमेंट्री बजट। परिवहन के विकास, ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर केंद्रित होगा बजट। महाकुंभ के लिए राशि जारी होगी। लोक भवन में होगी योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक। योगी सरकार का अनुपूरक बजट विधानसभा में होगा पेश। योगी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश किया। 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस समेत कई पार्टियां लेंगी हिस्सा। केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सीबीआई ने एक बार फिर केजरीवाल को घोटाले का सूत्रधार बताते हुए जमानत का विरोध किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते, पार्टी ही लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अब ताउम्र जेल होगी। योगी सरकार ने पेश किया विधेयक। लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रावधान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। सरकारी कार्यक्रमों में परोसा जाएगा सिर्फ शाकाहारी और सात्विक भोजन। संसद में जातीय जनगणना से चक्रव्यूह तोड़ने वाले राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का पलटवार। बोले, राहुल का बयान लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन पर लगाया समझौते तोड़ने का आरोप। बोले, चीन से संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक चीन एलएसी पर समझौतों का सम्मान नहीं करता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के खाली पड़े 3 घर जलकर राख। एडमिनिस्ट्रेशन ने आग के कारणों का पता लगाने के दिए निर्देश। सियासी उठापटक के बीच तीसरी बार यूपी आ रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। अमरोहा में 6 घंटे गुरुकुल में बिताएंगे। कांवड़ यात्रा की वजह से गौतम बुद्ध नगर में स्कूल 31 जुलाई से 1 अगस्त तक के लिए बंद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली 4 साल की सजा रद्द की गई। सजा रद्द होने के बाद अफजाल अंसारी का बयान। कहा, भारत की न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में अब तक 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राम मंदिर परिसर में यात्रियों को सुविधा को लेकर विशेष तैयारी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के जंगलों में पेड़ों से बंधी मिली अमेरिकी महिला। महिला के साथ अमानवीय बर्ताव। मामले की जांच में जुटी महाराष्ट्र पुलिस। यूपी के महोबा में टोल प्लाजा पर पेट्रोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्यप्रदेश के रीवा में दिन दहाड़े युवक की पिटाई, लाठी डंडा और बेल्ट से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के जोधपुर में मोटरसाइकिल सवार को कार ने मारी टक्कर। हादसे में 1 शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने लाखों की जब्त शराब पर एक्शन लिया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन से किए गए नष्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होटल में सांप के घुसने से मचा हड़कंप। स्नेक कैचर को बुलाकर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े 55 साल की महिला की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार गोली मारते दिखे। बिहार के वैशाली में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने एक मकान में छापा मारकर नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 लाख के नकली नोट बरामद भी किए। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में छापेमारी कर शराब से भरी नाव जब्त। शराब तस्कर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफियाओं का दबदबा। भोजपुर में अवैध रूप से शराब बेचने वाले लगातार दे रहे हैं पुलिस को चकमा। उत्तर प्रदेश के बरेली में बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत के बाद हत्या। पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कारखाने में लाखों की चोरी का भंडाफोड़। सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान की गई। आगरा में एक बार फिर से गर्जा, प्राधिकरण का बुलडोजर। 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। गुजरात के खेड़ा में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 युवकों की मौत। स्विच बोर्ड छूने से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायत के फरमान के बाद महिला से बदसलूकी मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 17 आरोपियों को पकड़ा गया।
हाथरस भगदड़ केस में 11 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट में पेशी। सभी 11 आरोपी हादसे के बाद अलीगढ़ जेल में बंद है। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। डॉक्टर राजेंद्र भाटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। विधायक प्रकाश जारवाल की सजा का ऐलान हो सकता है। हरिद्वार में आज कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बरसाएंगे फूल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संस्कृति विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का किया गया अनावरण। पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर को दूसरा कांस्य मिलने की उम्मीद। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सरजोत सिंह के साथ क्वालिफाइंग राउंड में तीसरे नंबर पर रही टीम। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन एक्शन में आएगी भारतीय मेंस हॉकी टीम। आज 4:45 पूल बी के मैच में आयरलैंड से मुकाबला। भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला। क्लीन स्वीप पर होगी टीम इंडिया की नजर। अमेरिका के टेनेसी राज्य में भयंकर तूफान ने मचाई तबाही। सैलाब की चपेट में आया गॉलीवुड मनोरंजन पार्क। रूस के सेगेस्की के करेलिया में बांध ढहने से 10 लोग घायल हो गए। बांध के पास बने कई घर हुए तबाह। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस ने दावा किया कि उसने डोनेस्क क्षेत्र में 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस का दावा है कि अगले कुछ दिनों में वो डोनेस्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमले से बड़ी तबाही मची। बैरूत एयरपोर्ट पर कई फ्लाइटें कैंसिल। डेनमार्क ने अपने नागरिकों को फौरन लेबनान छोड़ने के निर्देश दिए। चीन के हुनान प्रांत में भारी बारिश के बाद तबाही मच गई। हुनान में रेड अलर्ट है। दलदल और सैलाब की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। चीन में गायमी तूफान से पूरा शहर बर्बाद हो गया। दक्षिण पूर्व चीन में 12 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। हर तरफ आसमान में धुआं ही धुआं नजर आया। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। टर्की ने इसराइल को बड़ी धमकी दी। टर्की ने कहा इसराइल ने हमला बंद नहीं किया तो टर्की भी गजा पहुंच जाएगा। टर्की ने कहा कि जैसे काराबाक और लीबिया में एक्शन लिया गया वैसा ही गजा में भी हो सकता है। गुजरात में चांदीपुरा के अब तक 131 संदिग्ध मामले। चांदीपुरा वायरस के गुजरात में अब तक 47 पॉजिटिव मामले आए हैं। गुजरात में अब तक चांदीपुरा के 53 संदिग्ध मरीजों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसा के 11वें दिन बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की गई। छात्र संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि उनके नेताओं की रिहाई नहीं हुई है तो दोबारा प्रदर्शन किए जाएंगे। और ट्रंप के बयान पर कमला हैरिस का बड़ा हमला। डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप को तानाशाह कहा और पूछा क्या ट्रंप अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया ही खत्म कर देंगे।